बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम देखने और सुनने वालों को खलूस बरा सलाम। मैं हूं नजीबुल्ला खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है कराची कस्टम में रनिंग, चेस्ट और हाइट पास करके मगर तहाल कोई एसएमएस मौसूल नहीं हुआ है, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देख ले। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो देख ले आपकी कद 5 फुट 6 इंच है और छाती 33.5 इंच है। अगर इतनी है और आपने रनिंग भी पास की हो तो आप पास हुए हो। रही बात के तहाल कुछ कैंडिडेट्स को लेटर क्यों नहीं मिला, दोस्तों इसकी दो वजहात हो सकती है। पहली वजह, गलत पोस्टल एड्रेस देना। दूसरी वजह, पोस्ट ऑफिस वालों की सुस्तरवी और लापरवाही है। दोस्तों, हाल ही में बलूचिस्तान कस्टम में हज़ारों कैंडिडेट्स के लेटर पोस्ट ऑफिस वालों ने नहीं पहुंचाया, हालांकि सबका पोस्टल एड्रेस दुरुस्त भी था, जिसमें मेरा खुद का भी लेटर था जो मुझे नहीं मिला। और हज़ारों लेटर पोस्ट ऑफिस वालों ने कस्टम डिपार्टमेंट को वापस भेज दिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि लेटर किस तरह वसूल किया जाए। तमाम उम्मीदवारान वहां जाए जहां से पहले वाला लेटर मिला, वहां जाकर एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से रुजू करके अपना एनआईसी नंबर और नाम बता दे, वो आपको एक डुप्लीकेट रोल नंबर स्लिप देकर सिग्नेचर भी करेगा, जो कि टेस्ट सेंटर में काबिल कबूल होगा। और अगर जाना बहुत बहुत मुश्किल हो तो दोस्तों, टेस्ट वाले दिन सारी तैयारी करके टेस्ट सेंटर जाए और उनसे कह दे कि मुझे मेरा लेटर पोस्टल एड्रेस पर नहीं मिला। उनके पास अपनी लिस्ट होती है जिनमें पास उम्मीदवारों के नाम होते हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में था तो वो आपके सीएनआईसी पर आपका रोल लिख कर सिग्नेचर करेगा और आपको टेस्ट सेंटर में इंट्री दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।